Mitchell walking across the stumps, showing a little bit of intent. Not ready for that delivery right now. रहीम नाजरीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। इस टाइम मैं पीरवदाई मोड़ पे हूँ, जहाँ जो कि पीटीआई का यहाँ पे पीरवदाई मोड़ पे एहतजाज है, जो धरने का मैं मुंतकिल हो गया। तो इस टाइम हमारे पास आए हुए मेहमान मिसरियाल रोड से चौधरी जुल्फकार साहब हैं, इनकी भरपूर शिरकत है इस एहतजाज में। तो इनसे पूछते हैं कि इनका धरना कैसा गया और जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए प्रोग्राम, और इस पे गवर्नमेंट पे क्या कोई असर हो रहा है, कब तक ये फ़ैसला आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया नफीस भाई, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे टाइम दिया। आपने अभी एक बात कही है कि ये धरना का क्या कैसा चल रहा है। जब हमने धरना शुरू किया था तो उस वक्त चंद दोस्तों ने हमने, जिसमें मलिक महबूब साहब हैं हमारे, चौधरी यूसुफ साहब हैं, इरफान न्याज साहब तशरीफ़ फरमाया, राय साहब बैठे थे, तो ये धरना हमारा सैकड़ों में था। लेकिन अब अभी आप देख लें, अपनी आंखों से आप देखें, ये धरना हज़ारों में है और आज से नहीं, मुसलसल इसी तरह जा रहा है और मुसलसल नौजवानों की आमद में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात, ये आपने फरमाया कब तक होगा, कब तक फैसला होगा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि हमेशा आप सुनते आ रहे हैं कि जमहूरियत का ख़तरा है, जमहूरियत का ख़तरा है। ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि अमरियत का ख़तरा है। अमरियत के अवानों में इस वक्त लर्जा तारी है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे खान इमरान खान कैसा रिजल्ट देगा। उसने ऐसा यूथ को जगाया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो साइफर की मद में आई हुकूमत, ये इंशाल्लाह जल्द रुखसत होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। ये आज तीसरा दिन है धरने का, तो इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद हैं, तो उसकी वजह से कारोबारी हजरात का काफ़ी लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कोई मंडी के फल फ्रूट आ रहा है, कोई जानवर की गाड़ियां आ रही हैं जो रोड में लगी हुई हैं, उनका नुकसान होने वाला है, तो इसके ज़िम्मेदार क्या गवर्नमेंट नहीं है? मेरा ख्याल है वही है जिनके कानों में अभी तक रोनी जेंगी, अभी तक उनके कानों में। दूसरी बात यह है कि ये हमने जिस जगह सेलेक्ट की है, इस दफ़ा से मुतबादिर रास्ते बहुत ज़्यादा हैं जी। वो किसी जगह भी कहीं भी पब्लिक को या किसी को ट्रांसपोर्ट को प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा पैगाम बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है और उन तक पहुँच चुका है जी। आप अपने इलाके में पीटीआई का क्या समझते हैं, कैसा जोर है आपके इलाके के आवाम है, उनका रुझान कैसा है पीटीआई में, और आने वाला लॉन्ग मार्च जो है उसमें आपकी भरपूर शिरकत होगी? जी इंशाल्लाह ताला आने वाले लॉन्ग मार्च में हम भरपूर शिरकत करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। और हमारे इलाके में जो ये है, ये पहले भी पीटीआई का था और आज भी पीटीआई का है, और भरपूर अंदाज से। पहले भी हमने 60,000 की लीड से ये हल्का विन की है, अब इंशाल्लाह ताला इससे कई ज़्यादा तादाद में हम इंशाल्लाह विन करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नेक ख्वाहिश के साथ आपका धरना जारी रहेगा, तो इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह आपके इलाके में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच नफीस भाई, थैंक यू। फिर बताई मोड़ से आज तीसरा दिन है धरने में, आप भरपूर शिरकत कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि इसका कोई असर होगा गवर्नमेंट को? इंशाल्लाह जी, कल भी राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिए हुए, तो उसे में पता चलते ही इसका ये घबराए हुए इंशाल्लाह, तो ये धरना हमारा तब तक जारी होगा जब तक ये हमारा जो इफायर है कि जो तीन बंदों का ऊपर है, ये अगर नहीं काटते तो इंशाल्लाह तो ये धरना जारी रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नान बेहतरीन, इधर भी दर्शन कराएं। ये क्या है जी? भी नानी नानी है। शबाज़ जी ने पहले नहीं करी थी।